और सीपीयू ऐसे करके इसको हम खोल लेते हैं। सीपीयू खोल लिया हमने, सीपीयू खोलने के बाद में देखिए इसको हम हटा देते किनारे, और देखिए इसके अंदर बहुत सारे पार्ट लगे हुए हैं। देखिए ये पार्ट लगे हुए हैं, पार्ट लगा हुआ है, पार्ट लगने के बाद में भी जो है ना इसके अंदर डिस्प्ले नहीं आ रहा है। देखिए रैम से दोस्तों कैसे आप लोग हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमारे पास एक सीपीयू बनने के लिए आया हुआ है, जब इसको ऑन कर रहे हैं ना तो लिख कर आ रहा है नो सिग्नल, स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं आ रहा है। अगर आपके पास कंप्यूटर है या आप कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स करते हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, घर पर रह करके बता दूंगा कैसे नो सिग्नल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों। हाँ देखिए ये हमारे पास कंप्यूटर है, इसको हम ऑन कर देते हैं। यहाँ से हमने इसको ऑन कर दिया, हमने यहाँ से इसको पावर देकर ऑन कर दिया, इसमें पावर आ चुका है, हम ऑन करते हैं इसमें। देखिए ये ऑन हो गया है, लाइट जल चुका है। अब देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या है और क्या नहीं है। तो जब भी ऑन करते हैं इसमें चेक सिग्नल केबल, नो पावर सिग्नल केबल लगता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर से यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहा, मतलब कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन जा नहीं रहा, इसलिए दिखा रहा है कि प्लीज चेक केबल। तो जब ये ऐसा प्रॉब्लम आता है ना तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आपको कीबोर्ड के अंदर ये बटन चेक करना है, नल लॉक बटन दिख रहा है, नल लॉक इसकी चेक करेंगे। चेक करने के बाद में अगर ये लाइट जलता बुझता है तो इसका मतलब कि जो सीपीयू से जो मोटर में तार गया हुआ उसके अंदर खराबी है, वो तार ढीला है, जो ये वीजे केबल दिख रहा है ना आपको ये, ठीक है, इसके अंदर ये ढीला हो सकता है या तो ये खराब तार हो सकता है। अगर इसके अंदर लाइट जलता बुझता है, तो अगर लाइट जल बुझ नहीं रहा है, मतलब नल लॉक के बटन दबाने पर जल बुझ नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम इस सीपीयू के अंदर है। तो हम इसको नहीं छुएंगे, ना ही तार को छुएंगे, क्योंकि इसके अंदर सिग्नल नहीं आ रहा है इसके वजह से, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बंद कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम इस सीपीयू खोलते हैं, इस बताते हैं प्रॉब्लम क्या है। मैक्सिमम बार क्या होता है कि रैम लूज होता है, रैम खराब होता है, प्रॉब्लम आता है, लेकिन कभी कभी रैम नहीं खराब होता तभी ये प्रॉब्लम आता है। कहाँ से प्रॉब्लम आता है जानना चाहते हैं। हाँ उसके बाद चैनल पहली बार आया हुआ है कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जब भी कोई नया वीडियो बनेगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम यहां से इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है, हमने बंद कर लिया। अब खोलते हैं अपने सीपीयू को, हम यहां सीपीयू खोलते, देखिए सीपीयू है ये, और सीपीयू ऐसे करके इसको हम खोल लेते हैं। सीपीयू खोल लिया हमने, सीपीयू खोलने के बाद में देखिए इसको हम हटा देते किनारे, और देखिए इसके अंदर बहुत सारे पार्ट लगे हुए हैं। देखिए ये पार्ट लगे हुए हैं, पार्ट लगा हुआ है, पार्ट लगने के बाद में भी जो है ना इसके अंदर डिस्प्ले नहीं आ रहा है। देखिए रैम लगा हुआ, तो मैक्सिमम क्या होता है ना, ये जो रैम होता है ना, रैम ही को निकाल के हम लोग साफ कर देते हैं या रैम को निकाल दोबारा लगा देते हैं तो डिस्प्ले हमारे सीपीयू में आता है। लेकिन कभी कभी रैम निकालने पर साफ करने में नहीं डिस्प्ले आता है, कभी कभी रैम चेंज करने में डिस्प्ले नहीं आता, प्रॉब्लम कैसे और होता है। देखिए ये कंप्यूटर सीपीयू है, ये सीपीयू के अंदर बहुत सारे पार्ट लगे हुए, देखिए एक लगा हुआ है एसएमपीएस, इसको बोलते हैं सिंपल मोड पावर सप्लाई। इसका काम होता है कि कंप्यूटर के सीपीयू को आपके ना ये करंट देता है, डीसी करंट देता है। तो इसमें दो तार आ रहता है, एक आ रहा है देखिए बड़ा वाला, इसको बोलते हैं एटीएस कनेक्टर, ये देखिए दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला, ये बोलते हैं एटीएस कनेक्टर। अगर ये लूज रहेगा तब तो पावर ही नहीं आएगा, लेकिन डिस्प्ले नहीं आने के लिए तो ये अगर लूज रहेगा तो नहीं आएगा। देखिए इसके साथ मैंने एक तार और आता है, उसको बोलते हैं ये देखिए ये वाला तार, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 12 वोल्ट का कनेक्शन ये आया हुआ है, ये ठीक है, हर एसएमपीएस में आपको ये मिलेगा। बहुत पुराने वाले कंप्यूटर में ये वाला नहीं आता रहता था, अब जो नए वाले कंप्यूटर आते हैं ना उसके अंदर ये 12 बोर्ड का कनेक्शन आता है, और ये अब मदरबोर्ड में लगना जरूरी है। अगर ये लूज हो जाएगा, अगर ये कहीं से कट जाएगा तब भी आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आएगा, समझ गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो लगा होना चाहिए क्योंकि पावर देना है, अगर ये सही से नहीं लगा रहेगा तो आपके कंप्यूटर में जो है ना डिस्प्ले नहीं आएगा। तो देखिए 4, 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है। हम रैम निकाल के, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, रैम की दिक्कत सॉल्व हो जाती है, लेकिन इसको दिखा रहा है आपको हमें, तो इसको सिंपल क्या करना है, यहाँ दोबारा लगा हुआ है, देखकर इसको जो है ऐसे जैसे नॉच बना हुआ है ऐसे इसको ऐसे अब लगा देंगे, इसको आप दबा दीजिए। हमने देखिए दबा दिया है, अब ये हिल नहीं रहा है, पूरा टाइट हुआ हुआ है और ये पावर लगा हुआ है। हम रैम को टच नहीं कर रहे, डिस्प्ले नहीं आ रहा था, तो ये 12 वोल्ट कनेक्शन है। कभी कभी क्या होता है ना, आपके घर पर कभी कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर बनाने के लिए आता है तो रैम को निकाल के टाइट करके आपको साफ दिखाएगा, लेकिन इसको लूज कर देता है, इसको निकाल देता है। तो अगर आपको जानकारी नहीं है, इसको हम निकाल देंगे तब भी डिस्प्ले कंप्यूटर नहीं आएगा। तो जब जब कंप्यूटर बनाने के लिए कोई व्यक्ति घर पर आता है ना, उसको देखिए ये वाला तार लगाने लगा, अगर इसे लगा हुआ तो भैया इसको बोलिए इसको लगा दीजिए, तब चेक करिए आप, है ठीक है। तो इसको लगा दीजिए, ये लगा रहेगा और ये एसएमपी लगा रहेगा इसके बाद ये, और अब देखिए हम कंप्यूटर को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। और हमने रैम को नहीं टच किया, वो हमारा कंप्यूटर यहाँ से अब ऑन हो रहा है, मतलब 12 बोर्ड का हमने कनेक्शन दे दिया है, और अब हम सीपीयू को यहाँ से प्रेस करके ऑन करते हैं। देखिए लाइट आ चुका है, अब वेट करते हैं क्या डिस्प्ले कंप्यूटर में आ गया कि नहीं आ चुका है, क्योंकि रैम तो हमने टच नहीं किया, हमने टच किया हुआ केबल का, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले चेक करने का तरीका ये है कि आप इसके अंदर चेक करिए, कुछ टाइम लगा दीजिए, देखिए अब इसके अंदर डिस्प्ले देखिए ये ना, ये देखिए नल लॉक के अंदर लाइट जल गया बुझ गया, लाइट जल गया बुझ गया, और इसके अंदर भी हमारे कंप्यूटर में डिस्प्ले आ गया,
देखा ना आपने कि तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो बार बार रैम को निकाल के साफ करने से बेटर है कि एक बार आप जो है 12 बोल्ट कनेक्टर जो आता है इसको भी चेक कर लीजिए, और कभी कभी आपका प्रॉब्लम यहां से भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा ना, इस वीडियो को देखने के बाद में उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि इस SMPS में जो 12 बोल्ट कनेक्टर दिया था क्यों दिया जाता है, क्या होता है, क्योंकि अब जो मदरबोर्ड आते हैं ना थोड़े हैवी हो चुके हैं, उनको ज्यादा पावर चाहिए। तो ये ATX कनेक्टर से आता था, लेकिन अब क्या चाहिए कि ये जब लग जाएगा तो इसको ज्यादा पावर मिल जाएगा 12 बोल्ट का, तो अब ये करता है। जितने भी नए कंप्यूटर के मदरबोर्ड आते हैं उसके नॉर्मली करके आप हर कंप्यूटर में आपको ये वाला पावर सप्लाई जरूर मिल जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो से आपको सीखे हो तो प्लीज को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए आपके लिए क्या अच्छा वीडियो हो सकता है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर होते हैं ना जो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो देखना पसंद करते दोस्तों। चलिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।